अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। भारत के अजीत दोस्त रूस से पाकिस्तान अपनी करीबी बढ़ाने को भरपूर कोशिश में जुटा हुआ है। पाकिस्तान ने हाल ही में रूस के साथ एक गैस पाइपलाइन पर भी बड़ा समझौता कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समझौते पर हस्ताक्षर के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पाकिस्तान के दौरे पर जाने की खबरें बहुत उछल रही हैं। पाकिस्तानी अधिकारियों ने बताया कि पिछले सप्ताह कराची से कसूर तक गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए एक नए समझौते पर पाकिस्तान और रूस के बीच हस्ताक्षर हुआ है और इसके बाद पुतिन की पाकिस्तान यात्रा की संभावना प्रबल हो गई है। करीब दो दशक से पुतिन के हाथ में रूस की कमान है, लेकिन वो आज तक एक भी बार पाकिस्तान नहीं गए हैं। ऐसे में पाकिस्तान की एक कोशिश है कि अगर वो कोई समझौता रूस से बड़ा कर लेता है तो फिर रूसी राष्ट्रपति उसके देश आ सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और रूस दोनों रूसी राष्ट्रपति के पाकिस्तानी दौरे को लेकर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री इमरान खान पहले ही राष्ट्रपति पुतिन को औपचारिक निमंत्रण कई बार दे चुके हैं। हालांकि राजनयिक सूत्रों का कहना है कि जब पुतिन के पास बेचने के लिए कुछ बड़ा होगा तभी वो पाकिस्तान की यात्रा करेंगे। लिहाजा पाकिस्तानी स्टीम गैस पाइपलाइन समझौते पर हस्ताक्षर के साथ पुतिन के पाकिस्तान जाने की संभावनाएं बढ़ी हुई हैं। पाकिस्तान चाहता है कि राष्ट्रपति पुतिन गैस पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन करें। इस परियोजना का उद्घाटन इस साल के अंत में या अगले साल की शुरुआत में हो सकता है। माना जा रहा है कि पुतिन की पाकिस्तान की इस यात्रा के जरिए शीत युद्ध के दौरान दोनों देशों के बीच जो प्रतिद्वंद्वता थी उसे दोनों पक्ष अब मिटा देना चाहते हैं। अप्रैल में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने इस्लामाबाद का दौरा किया था। यात्रा के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन की ओर से पाकिस्तानी नेतृत्व को संदेश दिया था कि मॉस्को इस्लामाबाद को हर संभव मदद देने के लिए तैयार है। रूस और पाकिस्तान के पिछले हफ्ते पाकिस्तान स्टीम नेचुरल गैस पाइपलाइन के निर्माण के लिए हुए समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। रूसी ऊर्जा मंत्री निकोलाई शुलगिनोव और मॉस्को में पाकिस्तान के राजदूत शफकत अली खान ने समझौते पर हस्ताक्षर किया। अमेरिकी पाबंदियों की आशंका के बीच नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन का नाम बदलकर अब पाकिस्तान स्टीम नेचुरल गैस पाइपलाइन कर दिया गया है। शीत युद्ध के दौरान कायम रही अपनी अदावत को दरकिनार करते हुए पाकिस्तान और रूस इस प्रमुख परियोजना को शुरू करने जा रहे हैं। दोनों देशों ने अब द्विपक्षीय संबंधों को लेकर एक नया करवट लेने का मन बनाया है, लेकिन हमेशा ये याद रखना होगा कि पाकिस्तान से दोस्ती के लिए रूस कभी भी भारत को नाराज नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।